तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन जो पूछते हो उसे साफ साफ बता। Thank you.
मुझसे कहा कि जाओ मेरे बेटी को लेकर मेरे पास आओ। बहुत अच्छा, मेरे बाबा के पास मुझे आओ, आओ हमारे साथ आओ।
मालवीय नगर मालवी को लाने के लिए जी नहीं आया और मालती भी नहीं आई बेटा। मेरे भैया आते हैं मेरे बाबा जी, आप थोड़ी देर मेरे पर धन्यवाद करें। मेरे भैया आते हैं माथी को लेकर आओ घर से। कहाँ है मेरी माथी? अरे ये बाबा माथी आ रहे हैं। जाली जवाना नहीं।
बाबा जी मैं भी ऐसे कुछ कहना चाहता हूं, जो घड़ी रात है बाबा ऐसे जाने सुबह संग्राम पे चला जाएगा। तैयार बाबा काम तुम्हें और ही करना पड़ेगा। कौन सा काम है बाबा? हाँ बाबा, ऐसा करो कि जाओ मालवीय नगर इसलिए और मेरी कुटी में जो कुछ मेरा टूटा फूटा सामान है मालवीय को साथ में ले लो। ठीक है बाबा, वो सारा सामान उठा कर ले आओ, फिर हमें तुम्हारे घर में रहेंगे बेटा, हम मालवीय नगर नहीं जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं यही चाहता हूँ कि आज से आप मेरे घर में रहे, हम तुम्हारी बेटियों को लेकर जाऊंगा, तुम्हारी कुटिया से जो कुछ सामान होगा मेरा यहाँ बहुत राखी बाबा जी को ले चलो। मैंने जब से मालती को देखा है उससे कुछ कहा नहीं जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मालती को लेकर मालती को कुटिया जा रहा हूं, उसका सामान नहीं दे रही। मालती बाबूजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहीं जो कहना हो, अरे कैसे कहूं कि तुमसे हमें प्यार हो गया। लेकिन माती हमारा तुम्हारा संबंध ऐसे कैसे बन सकता है? सुनो मेरा, इस प्यार में गरीबी और अमीरी ही देखा जाता है, और प्यार देखा जाता है। बाबू जी क्या आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, अपने दिल से कह रहा हूँ। कैसे कहूँ कि आप उसे कैसे कहूँ कि आप उसे मुझ
मुझे प्यार हो गया। इसी का जनवासी है 20 रुपया के उहार दे रहे। और ये हमारे अंकित कुमार मिश्रा रेलवे स्टेशन निहालगढ़ ग्राम अलमापुर के रहने वाले हैं, 10 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं पार्टी सुबुड़िया नगर से। अरे तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, कैसा है बंधन अनजाना, तुम भी नहीं जाना हमारे गंगा प्रसाद भैया इसी का निवासी 50 रुपया घर मालिक के लिए उधार दे रहे हैं। इसी का आगे वासी 50 रुपया घरवाली को लेकर हार धनबाद। बच्चे भागे
क्या क्या है? है अरे भैया हम तो गरीबा हमारे गरीबी ख्याल करो भैया हम तो गरीबा हमारे गरीबी ख्याल क्या ख्याल करना देने का कुछ आप कितने बड़े गरीब हैं हम तो बहुत बड़े गरीब हैं अरे कितना बड़ा गरीब है तुम अगर तू गरीब है तो 50 रुपए मुझसे ले लो जाकर के नाश्ता कर लो अरे तो भैया 50 रुपया दिया कहा लियो अब 1000-2000 लियो 50 रुपया हम नहीं दे कहा इंद्रपाल भैया घर मालिक ने व्यवहार 50 रुपया दे है धंधा हम इस वक्त गरीब नहीं अरे सुन दे अगर तू 1000-2000 मुझे देना चाहता है तो गरीब किस बात का है अरे भैया तू फोन करते बाबू लड़की हो पूछे तुमसे कुछ पूछना चाहता है लक्ष्मी साढ़े बच्चे रहाइश नहीं हो रही क्यों पैसा चाहिए पैसा लेंगे तो हमारा तुम्हारा नाता करता सोना चाहिए सोना ले लेना अर्थात जोगियों का खोना होता चांदी चाहिए चांदी लेंगे तो आप कुकुर की बांधी हो जाएगी तो क्या चाहिए बाबा अरे तुहरे बंधा है गोवा तुहरे बंधा ये तलवार है तेरा करेला का अरे मेरे भैया तलवार से कौन तलवार का रखो मेरे यार यार मान लो तुम्हारा भाई बाबा कौन नहीं हाँ वो काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट हमारा लगवाओ इसका मतलब एक नाम में दो जानवर कैसे खाएंगे वो सारे गरीब तुम्हार तो है जाए तो हजब खवाओ भैया तू मेरे साथ नहीं कह सकता है नहीं तुम्हारा हम तेरे लिए एक लड़की ढूंढ लिया है लड़की कैसी है तुम्हारे जैसी बहुत अच्छी लड़की है लेकिन उसके अंदर एक खूबी है एक पाप नहीं है गाड़ी करना चल पाए क्यों अपने मान लिया मेरे साथ शादी कराओ लेके जाए धन का बनाओ खावा सब कुछ करें फिर बुधन खाता परिवार आए तो अच्छे से हो जाए तो अंग्रेजी के दिन भाजे धन का भजे एक व्यक्ति और मैंने ढूंढा है एक आपकी फूल है एक आपकी फूल है वो हाल में चल पाए अच्छा तो मैं एक लड़की बढ़िया से मैंने ढूंढ लिया है और अच्छी लड़की है फर्स्ट क्लास कोई कमी नहीं है तो कमी हो तो चल जाए हाँ केवल गूंगी है गूंगी चल जाए चल जाएगी भैया मतलब बात क्या है गूंगी भाई कंटपली भाई बौखली भाई ऐसो धुआती भगवान को हम कहा गूंगी के साथ चाहे तुम बदतमी जी करो तो होते बताऊती जाएंगे अब क्यों होते बताएंगे कैसे बताएंगे तो सामने पीपल का पेड़ है वहाँ पर एक लड़की गूंगी बैठी है तो उसको ले लेना चले जाना
है, गाजर है, 5 रुपए प्लेट में हलवा ले। ये क्या है हलवा लो? हलवा लो। ये क्या है हलवा लो? गाजर है भैया, गरम है देख। हलवा है। हलवा लो। ये होटल खोलना नहीं आता है। हलवा है हलवा। हलवा नहीं खाते हैं आप? हलवा खाता नहीं। पति तुम हलवा। मैं बात करूँ। हलवा वो भी नहीं खाते हैं। तो पति का सुपर पत्ता लिया जमात लिया। क्या चटा रहा है? क्या चटा रहा है? अरे आलू का टिकिया है, 10 रुपए प्लेट में चाट ले। चाट है? चाट नहीं खा। आप नहीं खाते हैं? कभी नहीं खाता हूँ। पति तुम खाती है? नहीं खाती है। मैं बोलो अगर तो चाट नहीं खाते तो क्या कचूरा खाती? भी
काका यहाँ का भेजे तू कहाँ कहाँ ये प्यार ना करो डॉक्टर का थला कहा बैठा दूर दूर से प्यार करो कहे प्यार में कहते हैं थोड़े देर के लिए प्यार करेंगे उसके बाद डॉक्टर के पास भेज देंगे ना है तो कहाँ कहाँ दूर दूर से प्यार करो से प्यार करेंगे अगर डॉक्टर की कहे यही तो हम प्यार नहीं करेंगे लेकर जाकर अपने घर में प्यार करेंगे बाबू जी चलते गए हूँ हाँ चलिए टाइम ज्यादा हो रहे हैं आओ मेरे साथ अरे दिनेश कुमार श्रीवास्तव ग्राम भटमो उत्सव रूपये के उठाते हैं धन्यवाद राइफल अपने लिए गए होते तो सारा जीकर की क्या औकात थी मुझे मारने की मतलब एक ही गोली में फैसला हो गया सही कह रहा है वो मतलब तुम्हें खुद हो और उनको झीला दो और उनको हावी हो गया करते हैं मैं उनसे न्याय मांगूंगा ठीक
चलो हम जमींदार के घर चलते हैं। हाँ बाबा आओ चलो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर। हाँ मैं जा रहा हूँ ताजा प्रदूषित से न्याय के वास्ते। हाँ कौन खोल कर सुनो तुम्हारे लिए हमारे घर में दरवाजा बंद है। ऐसे न्याय से तेरे कहने से मेरे घर तेरी हवेली के दरवाजे बंद है। अगर इस लगे में सुन जाएगा न्याय के वास्ते जाऊंगा। अगर जाएगा अगर सिखा देना गोली मार देना तो अपने राधन की धमकी देता है। अरे संग्राम सिंह तो अपने राधन की धमकी दे रहा है। ओबीसी कोई मियां नादान नहीं है। अगर तेरे पास राधन है तो तेरे पास मुआवजा है। और न्याय के वास्ते तेरे घर जाऊंगा जाऊंगा नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा जाऊंगा जाऊंगा। अगर नहीं मानोगे तो फौरन संग्राम सिंह तो अपने गोली की धमकी देता है। मैं जाऊंगा मैंने कह दिया चलो अगर राम शिकायत देगा तो क्या होगा बाबू जी। तुम्हारे पहले मैं भी हमें जा रहा हूँ मैं सकता हूँ इसका न्याय फैसला बाबू जी कहते हैं मेरे हाथ होता है।
आ रही है बाबा, वही हुआ जो होना था। ये क्या हुआ बाबा? हम न्याय के रास्ते पहुंचे जरूर, लेकिन संग्राम सिंह ने अपने पिताजी को गोली मार कर यहाँ से फरार हो गया। आपको जहाँ से मार दिया हाँ बाबा, अनर्थ हो गया बेटा। अब क्या होगा बाबा? अब क्या होगा बेटा? हम लोग यहाँ से तुरंत निकल सकते हैं। यहाँ से भाग निकल हाँ बाबा, नहीं तो ये आरोप तुम्हारे ऊपर लगेगा बेटा। हाँ अभी कोई जवाब नहीं लगाएगा, अभी कोई जवाब लगाएगा। हाँ बाबू जी आगे करो। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है, चलते हैं पुलिस स्टेशन। और उसका दिखाया जाएगा नहीं। और पटना में एक थाना भी है और उसी थाने में आप लोगों के सामने इस सत्तर रणवीर सिंह जा रहे हैं। आप लोगों के सामने उन्हीं के दरबार का मुंशी कुद्रत प्रसाद चौरसिया भी जा रहे हैं। उन्हीं के दरबार का थाने का चौकीदार भी जा रहे हैं। चौकीदार क्या हो रहा है? आपका इंतजार हो रहा है, इंतजार की इंतजार हो रहा है। इंतजार चौकीदार अपने अपने ड्यूटी पर सफल हो जाओ, क्योंकि बड़े साहब आ रहे हैं। इलाके क्या समाचार है? समाचार बढ़िया है साहब। कोई चीज की गड़बड़ी भी नहीं है? नहीं नहीं साहब। कोई गड़बड़ी नहीं है? कोई केस नहीं आ रहा साहब। कोई केस नहीं आ रहा है? छुट्टा साइन कर रहा, कोई केस आ रहा है? सब ये कोई बात नहीं है। चलो चलो अपने ड्यूटी को सतर्क करो। तुम्हारे बाप का खून हो गया? कैसे हुआ? गोली से हुआ? कितने बजे हुआ? रात 12 बजे।
चाचा मरेंगे। गोली का आवाज सुना, बड़ा पता देता हुआ है क्या मैं।